वेलकम टू मैथमेटिक्स इजी वे। मैं पवन सर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग क्लास सातवीं का मैथ्स स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर थर्ड जैसा आप जानते हैं चल रहा है और जिसका नाम है लसावी एंड मसावी। और इस चैप्टर का हम लोग लास्ट एक्सरसाइज पे आए हैं, यानी 13 प्रसंग्रह तक हम लोग क्या कर चुके हैं, कंप्लीट कर चुके हैं। और लास्ट एक्सरसाइज है 14, जिसमें मसावी लसावी सब क्या है, मिक्स है, और इस पर आधारित सवालों को हमें क्या करना है, हल करना है। ओके, तो आगे स्टार्ट करने से पहले मैं यही कहूंगा, जो भी चैनल से अगर आप अभी नए जुड़े हैं या आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन में ऑल की बटन जरूर प्रेस कर ले। चलिए क्वेश्चन प्रसंग्रह 14 स्टार्ट करते हैं, एक्सरसाइज 14। और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है वो आपको खाली जगह पर है, यानी कि चार ऑप्शन दिए गए हैं और उसमें से कौन सा ऑप्शन सही है उसे हमें क्या करना है, सिलेक्ट करना है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग फटाफट कर लेते हैं। देखिए क्या दिया है, उचित पर्याय चुन करके वाक्य पूर्ण लिखो, 120 तथा 150 का मसावी, किसका मसावी ज्ञात करना है, 120 और 150 का हमें ज्ञात करना है मसावी ज्ञात करना है। मसावी ज्ञात करना मतलब महत्तम सामान्य विभाज्य विभाजक, यानी कि ऐसी कौन सी सबसे बड़ी संख्या है जो इन दोनों संख्याओं को क्या कर रही है, विभाजित कर रही है। सबसे बड़ी, हाँ ऐसा नहीं, आपको 120 और 150 कई पहाड़ों में आएंगे, लेकिन जो उसमें सबसे बड़ा रहेगा वही उसका क्या कहलाएगा, मसावी कहलाएगा। तो हम देख रहे हैं इसमें दोनों में 10 से भाग जाएगा क्योंकि आखिरी में 0, यानी 10 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा 15, है ना। अब 12 और 15 किस पहाड़े में आते हैं, 3 को, 3 चौक 12, 3 पचे 15। अब आपको ये 4 और 5 किसी भी पहाड़े में नहीं आते हैं, यानी कि इसका मसावी ज्ञात करना मतलब इन दोनों का क्या करिए, गुणा कर दीजिए। तो 10 दिया है 23, तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया, पहला वाला ऑप्शन सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा, इसका मसावी 30 हो जाएगा। तो पहले का आंसर क्या आएगा, 30, जो कि पहला ऑप्शन है। क्वेश्चन फर्स्ट का सेकेंड जो है, निम्नलिखित में से किन दो संख्याओं का मसावी 1 नहीं है, चार ऑप्शन दिए गए हैं कि आपको पूछा किसका मसावी 1 नहीं है, मतलब आंसर में ऐसे बहुत सारे हैं जिसका मसावी 1 है, तो किसका नहीं है वो बताना है। तो जैसे देखिए 13 और 17 आभास संख्या है, यानी कि इसका मसावी कितना है, 1 है, तो ये उत्तर नहीं हो सकता है। दूसरा ऑप्शन दिया गया 29 और 20, तो 29 क्या है, आभास संख्या, यानी इसका भी मसावी क्या होगा, 1 होगा। अगर कोई भी दोनों संख्या में से एक अगर आपको अभाज्य संख्या है तो उसका मसावी हमेशा क्या होता है, 1 होता है। तीसरा 40 और 20, और चौथा ऑप्शन दिया गया है 14 एंड 15। आपको मैंने ये भी बताया था जो लगातार संख्या होती है वह सह आभाज्य संख्या होती है। देखो 14 और 15 लगातार वाली संख्या है, एक के बाद एक आने वाली संख्या, तो इसका भी मसावी हमेशा कितना होता है, 1 होता है। जब दोनों संख्याओं में एक का डिफरेंस होगा या तीनों संख्याओं में एक का डिफरेंस होगा तो हमेशा उसका मसावी कितना होता है, 1 होता है। तो इसका भी मसावी 1 है, इसका भी मसावी 1 है, इसका भी मसावी 1 है, मतलब इस संख्या का मसावी 1 नहीं है, क्योंकि इसमें देखो 2 से भी भाग जाता है, 10 से भी भाग जाता है, तो इसका मसावी 1 नहीं है। तो ये वाला ऑप्शन क्या होगा, आपका सही होगा। तो इस तरह से पहले का आंसर 30 हो जाएगा और दूसरे का आंसर तीसरा वाला 40 और 20, तो दोनों आंसर आपका हो गया। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या करना है, मसावी और लसावी दोनों ज्ञात करना है, मसावी एंड लसावी दोनों ही चीजें ज्ञात करना है। और कहीं कहीं देखिए आपको शॉर्टकट में बता सकते हैं, अगर याद रखिए कभी भी दो संख्या है और दोनों संख्याओं में अगर छोटी वाली संख्या के पहाड़े में बड़ी वाली संख्या आती हो तो हमेशा उसका क्या होता है, मसावी छोटी वाली संख्या होती है और लसावी हमेशा क्या होती है, बड़ी वाली संख्या। तो मैं आपको बोल रहा था कि छोटी वाली संख्या के पहाड़े में अगर बड़ी वाली संख्या आती है तो छोटी संख्या हमेशा क्या होगी, मसावी होगी, और बड़ी संख्या हमेशा क्या होगी, लसावी होगी। जैसे यहां देखिए 14 और 28 है, तो 14 के पहाड़े में 28 आता है, यानी कि 14 क्या हो गया, मसावी, और 28 क्या हो गया, लसावी। तो कहीं कहीं ऐसा हम डायरेक्टली आंसर बता सकते हैं, अगर आपको फटाफट देख रहे हैं कि दोनों संख्या पहाड़े में आ रही है, छोटी वाली संख्या के पहाड़े में बड़ी वाली संख्या आ रही है, तो हमेशा याद रखिए छोटा वाला हमेशा क्या होगा, मसावी, और बड़ा वाला क्या हो जाएगा, लसावी। इसी में भी देखिए 32 और 16 है, तो 16 कौन है, छोटा, छोटे के पहाड़े, 16 एकम 16 16 दूनी 32, यानी छोटी संख्या के पहाड़े में बड़ी संख्या आ रही, यानी 16 क्या हो गया, मसावी, और 32 क्या हो गया, लसावी। ओके, तो इस तरह से शॉर्ट ट्रिक से आप क्या कर सकते हैं, पहचान सकते हैं। लेकिन अगर आपको नहीं आता तो हम लोग हल करके दिखा देते हैं कि इसका मसावी और लसावी कितना होगा।
चलिए फटाफट यहाँ पे क्या करेंगे, 14 और 28 को लिखेंगे, और ये 14 और 28 किस पहाड़े में आता है, 14 के, तो 14 एकदम 14, 14 दुनी 28। अब इसके आगे भाग जाएगा नहीं, तो हमारा क्या हो गया, हम यहां बता देंगे कि हमारा मसावी क्या हो गया 14, और लसावी निकालने के लिए ये जो आपको संख्या है और यहाँ जो बची हुई संख्या है, इन दोनों का क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, तो 14 दुनी कितना हो गया 28। तो इस तरह से मसावी 14 और लसावी कितना हो गया 28। ऐसे सेम यहां पे भी करेंगे, पहले दोनों संख्या ले लेंगे 32 और 16, दोनों आप जानते हैं 16 के पहाड़े में आता है, 8 के पहाड़े में भी आता है, 4 के पहाड़े में भी आता है, 2 के पहाड़े में भी आता है, आप किसी से भी विभाजित कर सकते हैं, तो छोटी संख्या से विभाजित करोगे कई बार खंड करना पड़ेगा, तो 16 दूनी 32, 16 एकम 16। अब इसके आगे भाग जाएगा नहीं, है ना, तो मसावी क्या हो गया 16 हो गया, और लसावी निकालने का मतलब है कि जो मसावी आया है उसमें बची हुई संख्या से गुणा कर दीजिए, इस तरह से हमारा मसावी 16 और लसावी कितना हो गया 32। अब इस प्रश्न को देखिए, 17, 102, 170, दोनों तीनों संख्या 17 के पहाड़े में आती है ना, तो 17 से इसको क्या करेंगे, विभाजित कर देंगे, तो 17 एकम 17, 17 छंग 102 और 17 धामा 170, तो ये क्या हो गया, मसावी कितना आ गया, अब क्योंकि तीनों संख्याओं में किसी भी पहाड़े से भाग नहीं जा रहा, तो मसावी तो आपको पता चल गया, मसावी कितना हो गया 17, क्योंकि तीनों संख्याओं में जब तक भाग जाता है वही उसका क्या होता है, मसावी होता है, तभी तक भाग देते हैं। अब आपको दो संख्या में लेकिन भाग जा रहा है, 6 और 10 में, किससे भाग जा रहा है, 2 से, तो 2 एकम 2, 2 3 6 और 2 5 10, अब भाग नहीं जा रहा है, यानी लसावी निकालने के लिए पहले ये 17 गुणे फिर ये 2 फिर बचा हुआ नंबर 3 गुणे 5, इन सब का क्या करोगे, गुणा कर दोगे, तो 17 दूनी 34, 34 और ये 5 यही 15, 34 गुणे 15 कर दीजिए, 15 चौका 60 हासिल लगा 6, 15 दिया 45, 45 और 6 51, 510 इसका क्या हो गया, आपको लसावी हो गया। चलिए यहां देखिए 23 और 69 दोनों 23 के पहाड़े में आते हैं, क्योंकि 23 क्या है, अभाज्य संख्या है, और अभाज्य संख्या के पहाड़े में 69 आ रहा है, यानी कि इसका मसावी कितना हो गया, 23 हो गया। तो मैंने आपको बताया था जब पहाड़े में आता है तो छोटी संख्या क्या होती है, मसावी, और बड़ी संख्या क्या होती है, लसावी। तो इस तरह से हमारा आंसर आ चुका है। अब ये लास्ट वाला सवाल बचा है, लास्ट वाला सवाल में 21 है, 49 है और 84 है, तो तीनों संख्या 7 के पहाड़े में आती है, तो 7 से इसको विभाजित कर देंगे, 7 3 21, 7 7 49 और 7 एकम 7, 7 2 14 कितना आ गया 12, तो मसावी आपको पता चल गया, मसावी तीनों में एक ही पहाड़े से भाग जा रहा है, वो भी किससे जा रहा है, 7 से। अब लसावी निकालने के लिए देखो बाकी संख्या देखते हैं, 3 और 7 किसी पहाड़ में आता है, लेकिन 3 और 12 3 के पहाड़े में आता है, 3 से इसको विभाजित कर दीजिए, 3 एकम 3, ये 7 ऐसे रहेगा, 3 चौक 12, अब किसी में भाग नहीं जाता है, तो लसावी बराबर 7 फिर ये 3 फिर बचा हुआ नंबर 7 और 4, 7 7 49 और 3 चौक 12, ये 7 का गुणा 7 में 49 और 3 चौक 12, 12 से गुणा कर दीजिए, 12 9 108 हासिल लगा 10, 12 चौक 48, 48 10 58। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या हुआ, कंप्लीट हुआ, हमने मसावी भी ज्ञात कर लिया है हर प्रश्न में और लसावी भी ज्ञात कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 में आपको बोला है लसावी ज्ञात करिए, पहला है 36 और 42, तो फटाफट हम लोग क्या करेंगे, इनका लसावी ज्ञात करेंगे एलसीएम, तो हमें क्या करना है, पहले यहाँ 36 लिख देंगे और यहाँ 42 लिख देंगे, दोनों आपको किस टेबल में आते हैं, तो 2 के टेबल में भी आते हैं और 7 के भी टेबल में आते हैं, तो 7 से हम इसको क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, और सॉरी 7 के टेबल में नहीं आते, 7 के टेबल में सिर्फ 42 आता है, 36 नहीं आता है, तो इसको पहले क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, तो 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये 18 हो जाएगा, और इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 21 हो जाएगा, फिर ये दोनों आपको किस टेबल में आते हैं, 3 के टेबल में आते हैं, 3 6 जा 18 एंड 3 7 जा 21, तो ये हो गया आपको इसका गुणनखंड,
अगर मसावी ज्ञात करना था तो ये दो तिहाई कितना हो जाता, छह, छह इसका क्या हो जाता था मसावी, लेकिन हमें क्या ज्ञात करना है लसावी, तो लसावी बराबर ये जो नंबर्स आए हैं उसको लिख लीजिए दो गुणे तीन, फिर ये नंबर्स जो है उनको क्या करिए मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो दो तिहाई छह, छह छह छत्तीस, छत्तीस में सात से क्या कर देंगे गुणा कर देंगे, तो सात छह बयालीस, सात से लगा चार, सात तीन इक्कीस, इक्कीस चार पच्चीस, यानी 252 इसका क्या हो गया लसावी हो गया। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट का आंसर, हमें सिर्फ इसमें क्या करना है लसावी ज्ञात करना है। सेकेंड देखिए आपको दिया गया है 15 25 30 15 25 30, तो फटाफट हम लोग क्या करेंगे इसका खंड कर लेंगे, आखिरी में 5 5 5 0 है यानी 5 से भाग जाएगा, तो जिसके भी आखिरी में 5 हो या 0 हो तो वो 5 से डिवाइड होता है, तो 5 की यही 15, 5 5 25 5 6 30, अगर मसावी बोलता तो यहां से क्या हो जाता था 5, क्योंकि बाकी तीनों नंबर किसी भी पहाड़ी में नहीं आ रहे हैं, तो मसावी कितना आ जाता था 5, लेकिन हमें क्या ज्ञात करना है लसावी, तो अब हम लोग दो नंबर देखेंगे, तो 3 और 6 किस पहाड़ी में आता है 3 के, तो 3 एकदम 3, 5 को वैसे उतारेंगे 3 2 6, अब खंड होना संभव नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे लसावी बराबर पहले 3 नंबर का देखते हैं, फिर 2 नंबर का अगर किसी से भाग जा रहा है उससे डिवाइड करते हैं, और जब किसी भी नंबर से भाग नहीं जा रहा तो वहीं पे रोक देते हैं। अब लसावी के लिए गुणा किसका किसका करेंगे, ये 5 लेंगे, ये 3 लेंगे, ये दोनों नंबर हो गया, अब यहाँ का 5 और यहाँ क्या बचा है 2, इन सबको हम लोग क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 5 3 15 15 5 75 75 2 150, तो इसका क्या हो जाएगा लसावी 150 हो जाएगा। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड में बोला है 18 42 48 18 42 48, तो ये नंबर लिख लेंगे 18 42 48, चलिए जल्दी बताइए ये दोनों सबको दिख रहा है दो के पहाड़े में जाएंगे, तो पहले 2 से डिवाइड कर लीजिए, 2 9 18, इसको डिवाइड किया तो 21 और इसको डिवाइड किया तो 24, डिवाइड करना आता होगा ना, 2 2 4 2 1 2 2 2 4 2 4 8, तो इस तरह से हमारे नंबर्स आ चुके हैं। अब 3 21 24 किस पहाड़ी में आते हैं 3 के, तो 3 3 9, 3 7 21, 3 8 24, तो यहीं तक आपको डिवाइड होगा क्योंकि इसके बाद कोई भी नंबर्स किसी भी पहाड़े में नहीं आ रहा है, तो लसावी निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो नंबर्स है 2 गुणे 3, फिर ये जो नंबर्स है उसको लिख लीजिए, अब इन सबका गुणा कर दीजिए, 2 3 6 6 3 18 18 7 126 126 में 8 का गुणा कर दीजिए, 8 6 48, 8 से लगा 4, 8 2 16 4 20, 8 से लगा 2, 8 1 8 2 10, 1008, ये हो गया क्वेश्चन नंबर थर्ड का तीसरा। अब इसके बाद हम लोग इसी के नीचे क्वेश्चन नंबर 4 कर देते हैं, 4 में बोला है 4 12 20 4 12 20, तो यहाँ 4 लिखा, यहाँ 12 लिखा, यहाँ 20, तीनों नंबर 4 के पहाड़े में आते हैं, तो 4 1 4, 4 3 12, 4 5 20, अब इसके आगे भाग नहीं जा रहा है, यानी कि आपका लसावी बराबर क्या, पहले 4 लिख लोगे फिर गुड़े 3 गुड़े 5, 4 3 12 12 5 7, तो इस तरह से हमारा चौथा भी आंसर आ चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे पांचवा, पांचवे का लसावी ज्ञात करना है 24 40 80 120, पांचवे का 24 40 80 120, अभी देखो 4 नंबर का आ गया है, डरने का नहीं, 4 बोले चाहे 25 नंबर बोले, अपने को सिर्फ भाग देना है बस, ये थोड़ा बुरा भाग अपना क्या होना चाहिए तेज होना चाहिए। अब हम लोग क्या करेंगे देखेंगे सब आपको क्या हो रहे हैं 8 के पहाड़े में आ रहे हैं, तो 8 से इसको क्या करोगे डिवाइड कर दोगे, थोड़ा बड़ा नंबर लेने का, 12 के पहाड़े में नहीं आते इसलिए 12 हमने नहीं लिया है, तो पहले 8 ले रहे हैं, 8 3 24, 8 5 40, 8 2 80, और इसको डिवाइड किया तो 8 1 8 5 40, अब सारे नंबर्स आपको एक पहाड़े में नहीं आ रहे, यानी अगर मसावी बोलेगा तो कितना हो जाएगा 8। अब लसावी निकालने के लिए 2 नंबर को ही देखते हैं, 3 नंबर को ही देखते हैं, तो 5 10 15, 3 5 के पहाड़े में आते हैं, 5 से इसको डिवाइड कर देंगे, तो 3 ऐसे रहेगा, 5 1 5, 5 2 10, 5 3 15, अब क्या हो रहा है
ये दोनों नंबर तीन से डिवाइड हो रहे हैं, तो तीन से डिवाइड कर दीजिए, तीन एक कम तीन, यहाँ भी एक आ जाएगा, यहाँ दो और यहाँ एक। अब इसके बाद आपको डिवाइड करने की आवश्यकता नहीं, अगर आपको डिवाइड करना है तो दो से भी क्या कर सकते हैं, डिवाइड करके सबको एक ला सकते हैं। तो हमारा पूरा का पूरा आ गया, यानी कि सिर्फ मुझे लसावी याद करने के लिए इसका गुणा करना है। तो लसावी बराबर आठ गुणे पांच गुणे तीन गुणे दो, ओके, आठ पंचे चालीस, चालीस की एक सौ बीस, एक सौ बीस दूनी दो सौ चालीस, ये हमारा हो गया आंसर क्वेश्चन नंबर थर्ड के। हमने सारे के सारे क्या किया, क्वेश्चन नंबर फोर बोला है किसी एक संख्या को आठ नौ दस पंद्रह बीस इन संख्याओं से भाग देने पर हर बार शेषफल क्या आता है, पांच आता है, तो हमें क्या करना है, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है वह क्या करना है, ज्ञात करना है। तो हमारे भाजक क्या हो गए, हम किससे भाग दे रहे हैं, तो भाजक पहले लिख लीजिए, आठ है, नौ है, दस है, पंद्रह है और बीस है, ये हमारे क्या है, भाजक है। भाजक मतलब इन संख्याओं से हम क्या कर रहे हैं, भाग दे रहे हैं किसी संख्या में, किसमें भाग दे रही है हमें पता नहीं है, तो किसी संख्या में हम लोग क्या कर रहे हैं, भाग दे रहे हैं, तो आपको शेषफल आ रहा है। भाजक इससे मतलब इससे भाग दे रहे हैं, तो शेषफल हर बार कितना आ रहा है, पांच आ रहा है, तो हमें क्या करना है, भाज्य ज्ञात करना है। तो भाज्य ज्ञात करने का सूत्र क्या है, भाज्य बराबर होता है लसावी, पहले क्या करेंगे लसावी निकाल लेंगे, प्लस उसमें क्या करेंगे शेषफल को जोड़ देंगे। तो हम क्या करेंगे, इन संख्याएं जो भाजक है, भाजक का लसावी निकालेंगे और उसमें क्या करेंगे शेषफल को जोड़ देंगे, तो हमारा उत्तर क्या हो जाता है, आ जाता है। तो हम लोग पहले क्या करेंगे, आठ नौ दस पंद्रह और बीस इनका लसावी निकाल लेते हैं। सारे के सारे नंबर ऐसा कोई भी पहाड़ा नहीं जिसमें आते हैं, तो इसका मतलब है कि कुछ नंबर्स किसी पहाड़े में आएंगे उसको पहले क्या करेंगे सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे अगर आप देखें तो आठ दस बीस ये आपको दो के पहाड़े में आ रहे थे, दो से दो इसको डिवाइड करेंगे, दो चौका आठ, नौ में नहीं जाएगा तो इसको ऐसे रखेंगे, दो पंचे दस, दो से पंद्रह में भाग नहीं जाएगा और दो दहमा बीस। अब पांच आ गया, पंद्रह आ गया, दस आ गया, ये दोनों आपको पता गया पांच, तीनों पांच ही पहाड़े में आते हैं, तो पांच ले लेंगे, यहां चार बचेगा, यहां नौ ही बचेगा और यहां पे पांच एक कम पांच, पांच तीन पंद्रह और पांच दूनी दस। अब देखिए तीन और नौ, तीन और नौ किस पहाड़े में आते हैं, तीन के पहाड़े में आते हैं, तीन चार ऐसे रहेगा, तीन त्रिका नौ होता है, एक ऐसे उतारेंगे, तीन एक कम तीन होता है और ये दो को वैसे उतारेंगे। आपको डिवाइड कब तक करना है, जब तक कम से कम दो संख्या में भाग जाता रहेगा तब तक डिवाइड करना है। तो दो देखो दो और चार भाग जाता है, तो दो से भाग दे देंगे, दो दुनी चार, ये तीन ऐसे रहेगा, एक ऐसे उतारेंगे, एक ऐसे उतारेंगे, एक ऐसे उतारेंगे। अब भाग देना बंद कर दीजिए क्योंकि अब ऐसी कोई भी संख्या नहीं जिसमें दो संख्या से भाग जा रहा है, दो संख्या में भाग जा रहा है, तो इसका मतलब इसका लसावी, तो भाज्य बराबर हो जाएगा। लसावी निकालने के लिए इन सारे नंबर्स का क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, तो दो गुणे पांच गुणे तीन गुणे दो, देखिए यहां भी ये नंबर थे और ये नंबर दो यहां बचे, इसका पूरा कर देंगे, दो गुणे तीन, धन शेषफल कितना है पांच। शेषफल लसावी कैसे निकाले हम लोग, ये संख्या ये संख्या ये संख्या और ये संख्या का सबका गुणा कर देते हैं, तो भाज्य बराबर दो पंचे दस, दस तिया तीस, तीस दुनी साठ, साठ दुनी एक सौ बीस, एक सौ बीस तिया दो सौ चालीस, बारह तीन छत्तीस, वाली तो 360 प्लस 5, तो वह संख्या हमें पता चल गया कि वह संख्या कौन सी है, 365 है। तो हमारा आंसर हो जाएगा वह संख्या कौन सी है, 365 है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है, आपको बोला है अति संक्षिप्त रूप लिखिए, इन पूर्णांकों का आपको क्या करना है, अति संक्षिप्त रूप लिखना है। तो अति संक्षिप्त रूप लिखना मतलब पहले इसका हमें पता करना पड़ेगा इन दोनों संख्याओं में कौन सी संख्या से भाग जाता है, इसका सबसे बड़ा आपको महत्तम सामान्य विभाजक कौन सा है यह हमें पता करना पड़ेगा, यानी मसावी ज्ञात करना पड़ेगा। तो इन दोनों नंबरों का हम लोग क्या करेंगे, भाग विधि से मसावी ज्ञात करेंगे, मसावी ज्ञात होने के बाद उसको क्या करेंगे डिवाइड करेंगे। चलिए सबसे पहले हमने संग्रह 12 में पढ़ा था भाग विधि से मसावी कैसे ज्ञात करते हैं, तो 348 और 319 में जो बड़ा रहेगा उसे अंदर की तरफ लिखते हैं
और जो छोटा रहता है उसे क्या करते हैं बाहर की तरफ लिखते हैं। तो ये कितनी बार जाएगा, एक बार, क्योंकि 3 × 2 = 600 हो जाएगा, तो एक ही बार जाएगा 319। यहाँ लिख के क्या करोगे, घटा दोगे, 18 में से 9 गया 9, यहाँ 3 बचा, 3 में से 1 गया 2। अब इसके बाद 29 से इसको डिवाइड करेंगे, जो आपको जिससे आपने पहले भाग दिया था, तो इसको डिवाइड करेंगे तो 29 एकम 29 बच जाएगा कितना, 2, फिर 29 एकम 29, यानी कि पूरा का पूरा भाग चला जा रहा है, पूरा का पूरा भाग चला जा रहा है, यानी किससे भाग देने पे चला जा रहा है, 29 से। तो 29 इसका क्या हो गया, मसावी हो गया। तो आप बता दोगे 348 तथा 319 का मसावी, जिससे भाग देने पर शेषफल 0 आ जाता है, वही उसका क्या कहलाता है, मसावी। तो 29 से भाग देने पर इसका शेषफल 0 आ गया, तो 29 इसका क्या हो गया, मसावी। अब इसका अति संक्षिप्त रूप लिखना है, तो 348 में भी क्या करेंगे, 29 से भाग देंगे, और 319 में भी क्या करेंगे, 29 से भाग देंगे। तभी आपने देखा था इसको भाग देते हैं 319 को, भाग पर कितना आता है 11 नीचे, यानी कि आंसर कितना जाएगा 11, और ये इससे क्या है, एक ज्यादा ही है, यहाँ आ जाएगा आंसर कितना 12। तो इस तरह से हमारा आंसर आ चुका है 12/11। अब ऐसे इसको भी करना, मैं 3 सवाल है इसमें 2 करा रहा हूं, एक आप कर सकते हैं, ओके, अगर नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, उसको भी मैं करके भेज दूंगा। चलिए 221 और 247 में बड़ा कौन है, 247, तो 247 अंदर रहेगा और 221 कहां रहेगा, बाहर। कितनी बार जाएगा, जाहिर सी बात है एक ही बार जाएगा, तो 7 में से गया 6, 4 में से 2 गया 2, और ये 26 बचा, और यहां कितना 221। अब 221 में हमें क्या करना है, इससे भाग देना है, तो 26 8 देखते हैं, 8 से 48, 8 से लगा 4, 8 में 16, 4 20, 208 होता है, तो कितनी बार जाएगा टोटल, 8 बार जाएगा, तो यहां 8 लिखेंगे और यहां 208 लिख देंगे। अब इसको घटा देंगे तो 11 में से 8 गया 3, 1, अब 13 से भाग दे देंगे किसमें, 26 में, 13 × 26, यानी किससे भाग जा रहा है, 13 से पूरा का पूा भाग चला जा रहा है, यानी कि 13 इसका क्या हो गया, मसावी। तो आप लिख देंगे 247 तथा 221 का मसावी कितना है, 13, यानी ये दोनों संख्या में किससे भाग जाएगा, 13 से भाग जाएगा, तो 13 से इसको क्या करोगे, डिवाइड कर दोगे, तीन दोनों का मसावी कितना है, 13, यानी ये दोनों संख्या किसमें भाग जाएंगे, 13 से। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, 13 से डिवाइड कर देंगे, 13 से इसको डिवाइड करेंगे तो आपको 13 एकम 13 बचेगा कितना, आपको 9 और ये 13 × 7 = 91, यानी 17 बार जाएगा। इसको भाग देंगे तो 13 एकम 13 बचेगा कितना, आपको 11, 13 × 9 = 117, यानी कि 19 बार भाग जाएगा। इस तरह से हमारा आंसर आ चुका है, इसका आंसर कितना होगा, 17/19। इसमें एक सवाल और बचा है, उससे आप क्या करेंगे, खुद कंप्लीट करेंगे, नहीं आएगा तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ओके। इस तरह से क्वेश्चन नंबर, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 और 7 दोनों एक ही जैसे सवाल है, दोनों में एक ही सूत्र लगेगा आपको, और वह सूत्र देखिए, याद रखिए कि अगर आपको बहुत सारे संख्या दिए गए हैं और उसका लसावी मसावी आपको ज्ञात है, तो आप क्या कर सकते हैं, उनमें से कोई भी एक संख्या पता करना हो तो पता कर सकते हैं। सूत्र क्या है आपको, कि जो भी संख्या रहेगी, 2 रहेगा तो 2 लिखोगे, 3 रहेगा तो 3 लिखोगे, तो 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है लसावी गुणे मसावी, ये हमारा सूत्र है। दी गई संख्याओं का गुण, मतलब जितनी संख्या रहेंगी उसका गुणनफल, तो सूत्र क्या है, दी गई संख्याओं का गुणनफल बराबर लसावी गुणे मसावी, ये हमारा क्या है, फॉर्मूला है, और इसी फॉर्मूले के बेस पर हमें क्या करना है, ये दोनों सवाल हल करने हैं, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया है, लसावी दिया गया है 432, मसावी दिया है 72, और दोनों संख्याओं में से एक संख्या 216 है, दूसरी संख्या हमें पता करना है कि क्या होगी, दूसरी संख्या हमें पता नहीं है। तो हमारा सूत्र क्या है, दी गई संख्याओं का गुणनफल, यहाँ 2 है, यहाँ हमने दिया दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर लसावी गुणे मसावी। अब इसकी जगह मान रखिए, तो इन दोनों संख्याओं के गुणनफल में पहली संख्या दिया है 216, लेकिन दूसरी संख्या नहीं दिया है, तो दूसरी संख्या वही उतार लेंगे, क्योंकि हमें ये दिया नहीं है, और लसावी है 432 और मसावी है 72। अब दूसरी संख्या ज्ञात करने के लिए ये 216 यहां से यहां जाएगा, यानी कि यहां गुणे में इधर जाएगा, कहां जाएगा, भाग में, तो दूसरी संख्या
पता करने के लिए मुझे 216 को वहां ले जाना पड़ा था, ये क्या हो जाएगा 432 गुणे 72 पहले से ही है, ये भाग में जाएगा यानी यहां से बटे में लिखा जाएगा। अब 216 के पहाड़े में ये आता है, कितनी बार में आता देख लीजिए, 2 × 4 होता है और 16 × 32 होता है, यानी कि 216 × कितना हो जाएगा 432, तो इसको डिवाइड कर सकते हैं डायरेक्टली यहाँ पे 2 से, तो बचा क्या 2 × 72। अब इसका गुणा कर दीजिए तो हमारा आंसर आ चुका है, दूसरी संख्या कितनी होगी 144। सेम ऐसे यहाँ क्वेश्चन नंबर 7 है, दोनों संख्याओं का गुणनफल दिया गया है 765 और मसावी दिया है 3, लसावी ज्ञात करना है। सूत्र हमने लिख दिया, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर लसावी गुणे मसावी। अब मान रख दीजिए यहाँ 765 बराबर लसावी आपको पता करना है, तो लसावी लिखोगे गुणे 3, क्योंकि मसावी कितना है 3। अब मुझे लसावी ज्ञात करना है, तो लसावी के बाजू वाला जो नंबर 3 है गुणे में इधर आएगा, क्या हो जाएगा भाग में, तो 765 बटे में 3। अब 3 से इसको भाग दे दीजिए, 3 × 6 बचेगा 1, 3 × 5 = 15, फिर बचेगा 1, 3 × 5 = 15, तो आ गया आपका लसावी। तो फाइनल आंसर में आप लसावी लिख देंगे 255। ओके, इस तरह से क्वेश्चन नंबर 6 एंड तो क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए क्या बोल रहा है, किसी विक्रेता के पास यानी बेचने वाले के पास 392 मीटर, 308 मीटर और 490 मीटर वाली कौन कौन सी, 392 मीटर, 308 मीटर और 490 मीटर लंबाई वाले प्लास्टिक रस्सियों के 3 बंडल है, यानी कि ये 3 ऐसे बंडल हैं, तो रस्सी शेष ना रहे इस प्रकार से तीनों ही बंडल की रस्सियों के समान लंबाई वाले टुकड़े किए गए, यानी कि तीनों इस रस्सी को भी जब काटा जाए तो इसमें कुछ नहीं बचना चाहिए, इस रस्सी को भी काटा जाए तो इसमें कुछ नहीं बचना चाहिए और इस रस्सी को भी काटा जाए तो इसमें कुछ नहीं बचना चाहिए, ऐसा अगर आपको महत्तम सामान्य विभाजन ऐसे आपको अगर बंडलों को काटना है तो ऐसी अधिक से अधिक बड़ी से बड़ी बोल रहा हूं, इसलिए बोला देखो आपको लिखा रस्सी शेष ना रहे इस प्रकार से तीनों ही बंडल की रस्सियों के समान लंबाई वाले टुकड़े किए गए, तो बताओ प्रत्येक टुकड़े की अधिकतम लंबाई कितनी हो सकती है। देखो वहां पता चल गया अधिकतम बोल रहा है, तो यानी कि इन तीनों का हमें क्या ज्ञात करना है, मसावी, महत्तम समान विभाजक, यानी कि इन तीनों का महत्तम समान विभाजक निकालना है, जो महत्तम समान विभाजक आएगा वही क्या हो जाएगी सबसे अधिकतम लंबाई होगी, जिससे पे जिस लंबाई पे काटा जाएगा तो उसमें कोई भी शेष टुकड़ा नहीं बचेगा, तो हम लोग क्या करेंगे इसका मसावी ज्ञात करेंगे। चलिए मसावी कैसे ज्ञात करेंगे, 392, 308 और 490 लिख लेंगे, यहां पर हम लोग लिखेंगे का मसावी ज्ञात करेंगे, क्योंकि हमें वहां बोला नहीं कि मसावी ज्ञात करो, ये हमने पता किया प्रश्न के हिसाब से, इसका हमें क्या करना पड़ेगा मसावी ज्ञात करना पड़ेगा, तो 392, 308 और 490, तो सबके आखिरी में यहां देखिए 2 है, यहां 8 है, यहां 0, यानी कि 2 से भाग जाएगा, पहले 2 से भाग देकर इसको थोड़ा छोटा करो तो आपको आइडिया लगेगा कि किससे भाग जा सकता है, तो 2 × 1 = 18, 2 × 6 = 12, 2 × 2 = 10, 2 × 8, फिर यहां पे आप भाग देंगे तो 2 × 2 = 4, 2 × 8 = 10, अब देखिए इसमें तो आपको पता चल गया कि इसमें आपको 2 से भाग नहीं जाएगा, और फिर इसके बाद हम लोग इसको अगर 7 से भाग देते हैं तो 7 से सब में भाग जाएगा, तो 7 × 14 बचेगा 5, 7, 8, 56, यहां भी भाग देंगे 7 से तो यह जाएगा 7 × 14, 7 × 14, और यहां पे अगर 7 से भाग देंगे तो 7 × 3 = 21 बचेगा कितना 3, 7 × 5 = 35, तो 28, 22, 35। अब इन दोनों में तीनों में किसी भी भाग पहाड़े से भाग नहीं जाता, तीनों में भाग जाना चाहिए, क्योंकि मसावी के लिए क्या होता है सारी संख्याओं में भाग जाना चाहिए, तो आप सारी संख्याओं में भाग नहीं जा रहा है, यानी कि यही इसका क्या हो गया मसावी हो गया, तो मसावी बराबर क्या हो जाएगा 2 × 7 यानी कि 14, तो आंसर में क्या हो जाएगा रस्सी की अधिकतम लंबाई कितनी रखनी पड़ेगी 14 मीटर। ओके, तो इस तरह से हमारा आंसर आ जाएगा, तो क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 9 सिर्फ आपको क्या है बचा है,
क्वेश्चन नंबर 9 को यहाँ पे हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 में बोल रहा है दो क्रमिक सम संख्याओं का लसा भी 180 है तो वे संख्याएं हमें क्या करना है ज्ञात करना है। तो प्रश्न को ध्यान से सुनो, दो क्रमिक बोला मतलब दो लगातार, लेकिन लगातार मतलब कैसी बोल रहा है, सम संख्या, यानी सम संख्या में कितने का डिफरेंस होता है, दो का, क्योंकि सम संख्या मतलब दो से विभाजित होती है, दो से विभाजित होने वाली संख्या में हमेशा कितने का अंतर होता है, दो का। तो अगर एक संख्या एक्स है तो दूसरी संख्या क्या होगी, एक्स प्लस टू होगी। माना पहली संख्या, पहली सम संख्या, सम संख्या लिखा, सम संख्या बराबर एक्स, तो दूसरी क्रमिक, क्रमिक बोला मतलब उसके बाद ही तुरंत आनी चाहिए, होगी सम संख्या, दूसरी क्रमिक सम संख्या बराबर क्या होगा, x प्लस टू, क्योंकि हमेशा सम संख्या बोला मतलब दो का डिफरेंस यानी दो ऐड कर दोगे। और इसका लसा भी दिया गया है, लसा भी कितना है 180, और मसा भी देखिए दो से विभाजित होगी, क्योंकि इन दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस है, दो का, यानी कि उनका मसावी महत्तम समान विभाजक कितना है, दो है। तो इसका मतलब है कि मसावी भी इसका दिया गया है, क्योंकि ये सम संख्या है, इसका मसावी कितना होगा, दो। अब हमारा सूत्र है दी गई संख्या का गुणनफल, दी गई संख्याओं का गुणनफल बराबर लसावी गुणे मसावी, ये हमारा सूत्र है। अब दी गई संख्याओं का गुणनफल मतलब ये संख्या गुणे ये संख्या, यानी x गुणे x प्लस टू बराबर लसावी 180 गुणे मसावी कितना, दो। तो x गुणे x प्लस टू बराबर कितना हो गया, 360। यानी कि आप मुझे ऐसी दो संख्या यहां चुनना है जिसका गुणा करो तो 360 आ जाए और उसके बीच का डिफरेंस कितना होना चाहिए, दो होना चाहिए। तो हम सारे सारे पॉसिबिलिटी यहां लिख देते हैं, 360 गुणे एक होता है नहीं भाग जाता है, 360 में अगर दो से भाग जाएगा तो कितना होगा, 180 गुणे दो, क्या इन दोनों में डिफरेंस दो का है, नहीं है, यानी कि ये भी नहीं पॉसिबल है। इसके बाद आपको 90 गुणे चार हो सकता है, इनमें भी डिफरेंस आपको दो का नहीं है, और 360 किस पहाड़े में आता है। इसके बाद आपको अगर इसको डिवाइड करें तो ये 45 गुणे 8, इनमें भी डिफरेंस दो का नहीं है। इसके बाद 15 24, इसमें भी डिफरेंस दो का नहीं है, और दो से विभाजित होना चाहिए, यानी कि आपको इसमें क्या करना है, और दो नंबर आप सोच सकते हैं, हो गया 24 25 120, ये डिफरेंस बढ़ता जाएगा। इस तो एक नंबर है जिसका आपको डिफरेंस देखिए दो करेगा, ये 18 गुणे 20 अगर करेंगे तो 18 गुणे 20, यानी कि ये हो जाएगा आपको, दोनों के बीच में देखिए डिफरेंस दो है, और दोनों देखो सम संख्या होनी चाहिए, तो ये सम संख्या नहीं थी इसलिए ये दोनों और कैंसिल हो गया। तो सम संख्या कौन सी हुई, 18 और 20, तो यहां हम लिख सकते हैं एक्स इंटू एक्स प्लस टू बराबर 18 गुणे 20। इसको एक दूसरी पद्धति से कर सकते हैं, गुणनखंड विधि से, लेकिन वो आपके सिलेबस में अभी तक आपने सीखा नहीं, ये बच्चे कभी सीखते हैं, दसवीं के बच्चे सीखते हैं, आठवीं के बच्चे सीखते हैं, नौवीं के बच्चे सीखते हैं, तो लेकिन अभी आपने वो सीखा नहीं है गुणनखंड विधि, तो इसलिए मैंने उस पद्धति से इसको नहीं कराया। तो ये आपको दो नंबर ऐसे सोचने थे जो सम संख्या हो और उसके बीच का डिफरेंस कितना होना चाहिए, दो ही होना चाहिए, और इसका गुणा करने पे 360 आना चाहिए। तो वो संख्या है देखो 18 दूनी 36, 360 हो जाता है, और 18 और 20 में कितने का डिफरेंस है, दो, और 18 और 20 क्या है, सम संख्या है। इसका मतलब हो गया कि x का मान कितना हो जाएगा, 18, x का मान 18 है, यानी पहली संख्या आ चुकी है, पहली संख्या 18 और दूसरी संख्या उसमें दो जोड़ दीजिए, यानी कि 18 प्लस टू कितना हो जाएगा, 20। तो वे संख्याएं कौन सी हो गई, 18 और 20। इस तरह से हमारा प्रश्न 14